माय डियर फ्रेंड, कैंडिडेट कैंसिल होगा या नहीं, ये तो NTA ही डिसाइड करेगा। किंतु नीट का पेपर लीक हुआ है, ऐसा बहुत सारे न्यूज़पेपर ने भी लिखा है, न्यूज़ में भी आया है, आपने भी सुना होगा। और अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहना है, और क्योंकि अगर जो नीट हो सका ज़्यादा लीक हुआ हो तो गवर्नमेंट क्या फैसला लेगी और NTA क्या बताएगा। हो सकता है अगर जो नीट डबल हो जाए और आपने प्रिपरेशन ना की हो, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, ताकि आपके टिप पर रहे सभी चीज़ें। और आप थ्योरी पढ़कर क्वेश्चन करिएगा, ना कि आप केवल थ्योरी पढ़े और क्वेश्चन ना करें तो फील नहीं आता है। और एक्चुअली में हमें क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, और स्पीडली करना चाहिए और स्पीडली सोचना भी चाहिए, और सही फॉर्मूला होना चाहिए और सही समय पर आंसर आना चाहिए, ऐसा आपको करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, यदि आप मान लो एग्ज़ाम फिर से हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए डेली, टेस्ट भी देना चाहिए जितने भी बन सके आपसे, और फॉर्मूले रिवाइज करने, और फॉर्मूले को कंसेप्ट से रिवाइज करना है उसमें, यानी कौन से वैल्यू, जैसे मान लो कोई फॉर्मूला प्रेशर का है और कोई पावर का है, तो आप दोनों को मिक्स ना करते, क्योंकि प्रेशर का पूछा वहाँ पावर का लगा दोगे, जहाँ पावर का पूछा वहाँ प्रेशर का लगा दोगे, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर जो प्रॉब्लम हो, मतलब कि यह फॉर्मूला वहाँ लग सकता है, तो पहले ही इसे अलग कर लीजिएगा और उनका पूरा नेम लिख दीजिएगा कि ये पावर है, ये प्रेशर है, ऐसे। और जो भी एक्सेप्शंस हैं उन्हें आप बार बार देखिएगा, रिएक्शन देखिएगा, ऐसे आप लिखते रहिएगा। थैंक यू।